नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तीन बेहतरीन फॉर्मूलों के बारे में जो है डी सम, डी मिनिमम और डी मैक्सिमम। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले हैं। दोस्तों, आपने सम का यूज तो किया ही होगा, यानी प्लस का यूज तो किया ही होगा। सम एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है जो हर एक पर्सन को आता है, लेकिन यहाँ पर तीन बेहतरीन फॉर्मूले हैं जिनका नाम है डी सम, डी मिनिमम और डी मैक्सिमम। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ कंट्रीज के नेम लिए हुए हैं, कुछ रीजन्स लिए हुए हैं, उनकी सेल्स ली हुई है और यहाँ पर हमने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी हमारी टोटल सेल होगी, यानी इन तीनों में से यूएसए के साउथ में टोटल सेल कितनी हुई है वो हमें यहाँ दिखा दे, मिनिमम सेल कितनी हुई है वो यहाँ दिखा दे और मैक्सिमम सेल कितनी हुई है वो यहाँ दिखा दे। यहाँ पर आप देखेंगे यूएसए का साउथ ये रहा और इसकी टोटल सेल अगर हम देखें तो 23,027 रुपये है। और यहाँ पर अगर हम बात करें यूएसए यहाँ भी है लेकिन ये हमारा ईस्ट में है, हमें क्या चाहिए, हमें साउथ का चाहिए। तो यहाँ पर यूएसए का साउथ अगर देखेंगे तो आप देखेंगे यूएसए का साउथ में 13,443 रुपये की टोटल सेल हुई है, यानी कि इसमें इन दोनों को प्लस करके हमें यहाँ पर शो करा दे। तो पहले हम इसको यहाँ पर रफली प्लस करके देख लेते हैं सिंपल इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगा करके। एक सेल हमारी ये थी यूएसए की प्लस और एक सेल हमारी यूएसए की ये थी, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल इक्वल आ रही है इसी के। और यहाँ पर अगर हम मिनिमम सेल की बात करें तो 13,443 रुपये यहाँ पर सबसे कम सेल है, और सबसे ज़्यादा सेल अगर हम बात करें तो 23,027 रुपये जो कि हमारी ये सेल है। और अगर हम मैक्सिमम सेल की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है मैक्सिमम सेल हमारी 23,027 रुपये है। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, ये आपके बड़े काम को इजी कर देगा। और अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव है और उसे आप इस तरीके से फाइंड करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हम इन फॉर्मूलेस को पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा, यानी टोटल सेल के ऊपर जाना होगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे इज इक्वल टू डी सम का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमसे बोल रहा है डेटाबेस, यानी आपका डेटाबेस कहाँ है, उस डेटाबेस की रेंज लीजिए। तो सबसे पहले हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस ये है, तो हम इसकी रेंज ले लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम यूज करेंगे कॉमा। कॉमा यूज करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, फील्ड, यानी किस चीज को आप प्लस करना चाहते हैं, किस चीज को आप सम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है सिर्फ सेल की रेंज, यानी सेल का क्राइटेरिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपको सभी सेल को सिलेक्ट नहीं करना, यानी सभी रेंज को सिलेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ हेडर को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको कॉमा का यूज करना है। कॉमा का यूज करने के बाद आप देखेंगे इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है क्राइटेरिया, यानी वो क्राइटेरिया बताइए जिस क्राइटेरिया के हिसाब से ये आपके डेटा को सम करेगा, मिनिमम करेगा या फिर मैक्सिमम करेगा। तो इसके लिए हमारा जो क्राइटेरिया रेंज है वो हमारा ये क्राइटेरिया रेंज है, हम इसकी रेंज ले लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद ब्रैकेट को सिंपली बंद करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका आंसर आपके सामने शो हो गया। इसी तरह से अगर आपको मिनिमम निकालना है तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू डी एम आई एन, यानी डी मिनिमम का। डी मिनिमम का फॉर्मूला यूज करने के बाद आप देखेंगे कंडीशन बिल्कुल वही है, पहले डेटाबेस की रेंज, फिर फील्ड की रेंज और फिर क्राइटेरिया रेंज। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस हमारा ये है, तो हम डेटाबेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। फील्ड की अगर हम बात करें तो सेल हमारी फील्ड है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कॉमा का यूज करेंगे। यूज करने के बाद आप देखेंगे हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे फिर से बंद और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपकी सबसे मिनिमम सेल जो थी वो आपके सामने शो हो चुकी है। अब हमें मैक्सिमम सेल निकालनी है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे डी मैक्स का, तो इज इक्वल टू डी एम ए एक्स मैक्स यूज करेंगे। आप टैब प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसके बाद सेम आप उसी तरीके से देखेंगे, वही सेम कंडीशन फिर से है, डेटाबेस की रेंज है, फील्ड रेंज है और क्राइटेरिया रेंज है। तो डेटाबेस की रेंज ले लेते हैं पहले हम, और इसके बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ से आप देखेंगे फील्ड है हमारी, तो फील्ड हमारी कौन सी है, सेल हमारी फील्ड है, कॉमा का यूज करेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया हमारा ये है, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका आंसर आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर कंट्रीज को चेंज करेंगे या रीजन्स को चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर यूएसए की जगह मैं ले लेता हूँ इंडिया, तो यानी कि अगर हम इंडिया के साउथ की बात करें तो साउथ में हमारी कोई भी सेल नहीं है इंडिया की, तो इसलिए यहाँ पर जीरो आ रही है वैल्यू। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर साउथ की जगह यहाँ ले लेते हैं नॉर्थ और एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे इंडिया के नॉर्थ में टोटल सेल दिखा दी उसने,
मिनिमम सेल दिखा दी उसने और मैक्सिमम सेल दिखा दी। टोटल सेल की अगर हम बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में हमारी सेल तो ये है, और दूसरी अगर हम बात करें इंडिया के नॉर्थ में एक सेल हमारी ये है। तो इन दोनों को इसने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस करके दिखा दिया, और सबसे मिनिमम जो सेल थी वो 10116 थी, तो 10116 आपकी ये शो हो रही है यहाँ पर। और मैक्सिमम सेल की अगर हम बात करें 23124 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 23124 है। तो दोस्तों यही था हमारा डी सम, डी मिनिमम और डी मैक्सिमम का फंक्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।